हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्टी फूड एंड फूडी। आज हम आपको एक चटपटी सी बेलपुरी की रेसिपी बताएंगे और ये जो रेसिपी है ना, बहुत ही चटपटी है। ये हमारे यहाँ तो इसे फिनिया कहते हैं, आपके यहाँ जो भी कहते हैं प्लीज़ बताइए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन को गर्म कर हमने ये सारी फिनी इसमें डाल लेनी है और इसे रोस्ट करना है। अच्छे से रोस्ट करना है इसे। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे, पिंच ऑफ नमक और पिंच ऑफ रेड चिल्ली पाउडर। झटपट बनने वाली ये टेस्टी सी भेलपुरी आप इंजॉय कीजिए, बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, बहुत ही बढ़िया बनती है। इस तरह से आप इसे प्रिपेयर कीजिए। ये अच्छे से क्रंची हो चुकी है, बस इसे 2 मिनट ही आप गैस पे रखिए, ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं, खाने में ये काफ़ी चटपटी है। अब हम दूसरी और पैन में बादाम को रोस्ट करेंगे। बादाम को अच्छे से रोस्ट करें, ये क्रंची हो जाते हैं, 1-2 मिनट में ये क्रंची हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे अपनी बेल में डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, कोई काजू पिस्ता जो भी आपके पास है आप वो ऐड कर सकते हो इसमें। अब हम इसमें डालेंगे एप्पल, कोई भी फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हो, ग्रीन चिली, टमाटर और प्याज। ये सारी चीज़ें इसमें डालकर इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो हम इसमें डालेंगे, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये खाने में इतना टेस्टी होता है, बच्चे क्या होते हैं जब कोई भी देखते हैं तो इसके खाने की जिद करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, कोई भी आपके पास जो भी नमकीन पड़ा है वो इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बच्चों को ये शाम को चाय के साथ दीजिए, जैसे भी बच्चों को पसंद हो, जब वो खेलने जाते हैं तब भी वो इसे साथ में लेकर जा सकते हैं। इसमें डालेंगे हम पुदीना या चाट मसाला, जो भी आपके पास हो आप इसमें डाल सकते हो। मैंने पुदीना मसाला डाला है इसमें। आप इस और उसके बाद इसमें नमक ऐड कीजिए, इसके बाद इसमें नींबू ऐड कीजिए। नींबू से ये इसका टैंगी फ्लेवर हो जाएगा, बच्चों को टैंगी बहुत पसंद है। आप खाइए, बड़े खाइए, जो भी जिसे भी पसंद हो, पर इसमें नींबू जो होगा ना वो एंड में ऐड कीजिए ताकि इसका क्रिस्पीपन ख़त्म ना हो। और इसे इंजॉय कीजिए, खाइए, मस्त रहिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।